तो गाइस अब इन रक्सौल के स्टेशन पे हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे रक्सौल पीछे स्टेशन है, यहाँ पे रक्सौल स्टेशन है और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं और अभी आए हैं थोड़ा रक्सौल स्टेशन घूमने के लिए। तो रक्सौल स्टेशन बहुत ही मस्त है, आप लोग तो मतलब यहाँ से बहुत दूर दूर तक गाड़ी मिलती है, जैसे बनारस हो गया, अहमदाबाद हो गया और प्लस में धनबाद हो गया और हैदराबाद हो गया, यहाँ से सबकी गाड़ी मिलती है रक्सौल स्टेशन से। अगर आप भी लग पास के हैं तो यहाँ से आके गाड़ी पकड़ सकते हैं। और गाइज आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो अभी तो हम बैठे हुए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं पास में है और यहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बाइक है देख सकते हैं। और गाइज अगर आप लोग भी यहाँ से गाड़ी कहीं के भी पकड़ना चाहते हैं तो गाड़ी यहाँ से बहुत दूर दूर तक मिलती है, आके पकड़ सकते हैं। तो गाइज अभी दिखाते हैं बैक कैमरा करके रक्सौल स्टेशन मतलब कैसा है और थोड़ा बहुत दिखाते हैं। तो अभी बैक कैमरा करते हैं, आप सब ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और मेरे चैनल पर तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिएगा जब हम बैक कैमरा करते हैं और ब्लॉग होने वाला है कमाल का, तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। इधर से थोड़ा सूरज है इसलिए थोड़ा इधर का मतलब थोड़ा ब्लैक मतलब आ रहा है, काला काला दिखाई दे रहा है और इधर करते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे रक्सौल लिखा हुआ है, रक्सौल जंक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, रक्सौल जंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। और गाइज रक्सौल का मतलब थोड़ा ऐसा है और इधर भीतर की तरफ मतलब थोड़ा उधर लिखा हुआ है कुछ, और देख सकते हैं यहाँ पे सब लोग मतलब बहुत मतलब अच्छा खासा यहाँ पे अथी मतलब गाड़ी पार्किंग करने के लिए ये जगह नहीं है यहाँ, मतलब सब लोग अथी में लगाए हैं और गाड़ी पार्किंग के लिए मतलब इधर जगह है गाड़ी पार्किंग के लिए। और अभी मेरा बाइक थोड़ा हम भी मतलब रूल के अनुसार नहीं चल रहे हैं, बाइक यहाँ पे लगाए हैं थोड़ा मतलब इधर जाना है इसलिए थोड़ा देर के लिए लगाए हैं, वैसे देर के लिए। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग मतलब यहाँ नेपाल लगे में बॉर्डर पड़ता है, जैसे बीरगंज लगे में पड़ता है मतलब नेपाल बॉर्डर, इसलिए थोड़ा नेपाल के भी लोग इसमें मतलब नेपाल से बेसी मार्केट चलता है रक्सौल का। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इसका नज़ारा ऐसा है और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बोल रहा है, जैसे सीतामढ़ी जंक्शन यहाँ पे बोल कुछ बोल रहा है, देख सकते हैं आप सुन सकते हैं यहाँ पे। भीतर आए हैं तो देख सकते हैं कुछ नज़ारा ऐसा है और स्टेशन वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पर लगा हुआ है और कुछ ऐसा है यहाँ का व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, और बाइक वहाँ पे पार्किंग किए हैं और यहाँ पे अभी उतना है कि नहीं है कार से, अभी ट्रेन यहाँ से जाने वाली है तो उतना भी यहाँ पे उतना बहुत सारा पब्लिक नहीं है। अभी चलते हैं बाइक के लगे, नहीं तो यहाँ से बाइक चोरी हो जाता है। देख सकते हैं इधर टिकट घर है, वहाँ पे टिकट घर है और तो अभी चलते हैं बाइक के पास में। देख सकते हैं इधर का थोड़ा नज़ारा ऐसा है और यहाँ पे बाइक है तो बाइक के पास आ गए, दो वो बाइक लाए हैं, एक मेरे पे देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूबर रितेश करके लिखा हुआ है और एक भैया का बाइक है तो इस पर यूट्यूबर मंगेश लिखा हुआ है, इसका मतलब 2,18,000 सब्सक्राइबर है इस चैनल पर, देख सकते हैं यूट्यूबर मंगेश करके लिखा है। और मेरे चैनल पर अभी तक 2,200 सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुआ है और भैया के चैनल पर लगभग 2,18,000 चैनल मतलब सब्सक्राइब कम्प्लीट है। जमीन कितना पब्लिक है, जैसे ट्रेन आया हुआ है इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे कितना पब्लिक है। सभी को अभिन बता दिए थे मेरे चैनल पर अभिन 2230 सब्सक्राइबर अभिन कंप्लीट हुआ है और भैया के चैनल पर लगभग 2,18,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है, तो वो चैनल बहुत बड़ा है देख सकते हैं वहाँ पर, तो दिखाए हैं अभी आप सभी को कैमरा में, तो 2,18,000 लगभग सब्सक्राइब है उस चैनल पर। तो गाइज आज का ब्लॉग में इतना ही था, तब तक अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक बाय बाय। और मेरे चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए।